हेलो फ्रेंड्स, रंजना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ तरबूज के पकौड़े। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या चाहिए। जो हमारा वाटरमेलन होता है तो उसका हम ये रेड वाला पार्ट तो खा लेते हैं और ये छिलका बच जाता है, तो आज मैं इसके छिलके का पकौड़े बनाना आपको बताऊँगी। जो हमारे बच जाते हैं तो आज मैं इसके पकौड़े बनाना आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए पहले ये पीछे वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे चाकू या पीलर की हेल्प से इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद इसे हम ग्रेट कर लेंगे। कद्दूकस करके जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका ये ग्रीन वाला पार्ट छील के निकाल लिया है। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। इसको हम इस तरह से ग्रेट करके जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा उसे निचोड़ के निकाल लेंगे। ये देखिए आप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने तरबूज के छिलकों को ग्रेट करके पानी निचोड़ के एक कटोरी ले लिया है। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तो आइए देख लेते हैं पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो एक कटोरी मैंने ये ग्रेट करके तरबूज के छिलके ले लिए हैं। इसे हम बड़े बाउल में डाल देंगे। ये आधा कटोरी बेसन लिया है मैंने, इसे भी डाल देंगे। ये थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता है, ये ले लेंगे। दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसे डाल देंगे। ये आधा छोटे चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, इसे डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा और ये आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये पकौड़े तलने के लिए हमें तेल भी चाहिए, इसे हम अभी अलग रख लेते हैं। पहले हम सारी चीज़ों को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, उसके बाद अगर हमें पानी की रिक्वायरमेंट लगती है तो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला लेंगे और पकौड़े बनाने के लिए पेस्ट बना लेंगे। ये थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लेंगे हम पकोड़े बनाने के लिए। तरबूज के छिलके के पकोड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, तो आप इसे बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, पकोड़े बनाने के लिए हमारा पेस्ट तैयार है। तो आइए चलिए ये मैंने तेल गरम करके सारे पकोड़े डाल दिए हैं तलने के लिए। अब हम इसे उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से हम इन पकोड़ों को उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके क्रिस्पी तरबूज के छिलके के पकौड़े तैयार हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वाटरमेलन रिंड पकौड़ा यानी कि तरबूज के छिलके के पकौड़े तैयार हैं। आप इसे बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।